तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और ये जो सेकंड वीडियो है आपका, सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो है। तो देखते हैं इसमें हम लोग अगला जो टॉपिक है वो क्या है। वो है कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। इससे पहले कि हम लोग समझ गए हैं और रसायन शास्त्र के अंतर्गत वैज्ञानिकों का कहना है कि जो भी पदार्थ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मिलावटी है। क्यों? क्योंकि हमने पहले वीडियो में समझ रखा कि जितने भी पदार्थ होते हैं ना, दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण से वो तैयार होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के या दो से अधिक शुद्ध अवयव से बनने वाले पदार्थ का, ठीक है ना, हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मिलावटी है। क्योंकि उनका मानना है, वैज्ञानिक का कहना है कि शुद्ध वही है जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के जो पदार्थ बनता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर वो शुद्ध नहीं है, दो पदार्थों के मिलने से या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से अगर कोई पदार्थ बन गया है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर कोई पदार्थ दो शुद्ध अवयव से मिलकर के बना है तो उसको हम पृथक्करण कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो उसका पृथक्करण करके हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि सच में दो या दो से अधिक पदार्थों से बनने वाले, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हम लोग जब अलग करते हैं तो अलग करने की अलग अलग विधियाँ होती हैं। उसको हम लोग देखते हैं वन बाई वन करके। देखिए, एक तो है कि जैसे कि नीले अथवा काले रंग की जब स्याही को हम लोग इवेपोरेशन के माध्यम से अलग करते हैं तो जल क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है ना, वाष्पीकरण की घटना होती है। क्यों? देखिए, जब हम क्या करते हैं ना कि किसी बर्तन में जब हम लोग रंग को रखते हैं, ठीक है ना, और जब हम लोग किसी सोर्स ऑफ एनी सोर्स ऑफ मैंने एनर्जी, जब हम लोग इसको टेम्परेचर देते हैं या आग देते हैं, तो ये पहले उबलना शुरू होगा और धीरे धीरे भाप बन करके सारे जल की इसमें मात्रा, जो भी वाटर की मात्रा होती है, वो इवेपोरेट हो जाती है, यानी वाष्पित हो जाती है। और एक समय आता है कि सिर्फ नीले और काले रंग के जो भी स्याही इसमें है वो उसके सिर्फ कण बच जाते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर वाष्पीकरण की घटना हुई है, जल भाप बनकर उड़ गया, ठीक है ना। तो इससे भी हम पृथक्करण करके हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जल की मात्रा थी जो गायब हो गई और सिर्फ काले रंग या नीले रंग के स्याही के सिर्फ कण बच गए हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकेंड क्या है। सेकेंड है अपकेंद्रण विधि द्वारा। अब देखिए क्या है, जैसे दूध से क्रीम को अलग करते हैं। देखिए, यादव लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा गाय भैंस रखते हैं, ठीक है ना, ये तो कहना नहीं चाहिए, एनीवे मतलब सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के दरवाजे पर गाय भैंस देखने को मिलती है। तो जो वो लोग हैं, चाहे फिर किसी दुकान पर चले जाइए जहाँ पर दूध से बहुत सारी मतलब जो है ना मिठाइयाँ, बहुत सारे मतलब पदार्थ तैयार किए जाते हैं, बहुत सारे मटेरियल तैयार किए जाते हैं, जैसे पेड़ा खरीदने के लिए चले जाओ, रसगुल्ला खरीदने के लिए चले जाओ, तो उस दुकानदार से पूछिए कि आप जब दूध से जो क्रीम निकालते हैं वो किस ढंग से निकालते हैं, कौन से तरीका अपनाते हैं जो दूध से क्रीम अलग करते हैं। तो वो बोलता है कि हम दूध को महते हैं। महना मतलब मथनी करना, हिंदी में मथनी करना और भोजपुरी में महाना बोलते हैं, यानी उसको महते हैं। तो माथने के प्रोसेस से दूध से क्रीम को अलग करते हैं और इस प्रोसेस का नाम हम अपकेंद्रण विधि कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं पृथक्करण विधि, ठीक है ना। पृथक्करण कीप द्वारा हम लोग जल और तेल, हालांकि ये एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है ना, जल और तेल, क्योंकि आपस में कभी भले एक साथ रहता है लेकिन आप दूर से भी पहचान लेंगे कि इसमें जल और तेल दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, जल और तेल कभी आपस में तो मिलता नहीं है, विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल है। तो अब क्या होता है ना कि इसको हम लोग पृथक्करण करने के लिए, इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर के रखते हैं और इसमें एक छोटा सा छिद्र रखते हैं, जो क्या होता है ना, जल के ऊपर जो मान लीजिए तेल है, तो हम जब इसको धीरे से खोलते हैं तो जल नीचे आ जाता है और तेल का जो स्तर है वो थोड़ा सा और नीचे आता है, बस इसको हम लोग बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जल अलग हो जाता है, तेल अलग हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पृथक्करण, ठीक है। अब देखिए हम लोग का अगला है ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है ना, इंग्लिश में। ठोस से सीधे गैस, कोई भी ठोस गर्म करने पर, देखिए गर्म करने पर अगर सीधे ठोस द्रव में ना बदल करके, देखिए प्रोसेस क्या है कि किसी भी ठोस को अगर आप गर्म करते तो थोड़ा द्रव अवस्था में जाता है, फिर उबलना प्रारंभ होता है, उसके बाद से वो गैसीय अवस्था में जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ठोस सीधे गैस में चला जा रहा है। अगर सीधे गैस में चला गया ना, ठोस अगर सीधे गैस में चला गया तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। ये हम जब गर्म करते हैं तो ठोस सीधे गैस में चला जाए, जैसे कि कपूर आप देखेंगे मार्केट में मिलता है, कपूर को लेकर के जलाइएगा ना तो डायरेक्ट जो है ना भाप बन के उड़ जाता है, वो द्रवीय अवस्था में नहीं आता है। नेप्थलीन है, एंथ्रासीन इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं आसवन विधि, ठीक है ना। यहाँ देखिए, दो घुलनशील द्रव जैसे कि एसीटोन और जल आपस में मिलेगा ना तो मालूम ही नहीं चलेगा कि ये मिला हुआ है,
ठीक है ना, मैंने मालूम ही नहीं चलेगा, जैसे कि चीनी और जल जो है ना आपस में मिलता है तो मालूम नहीं चलता कि दो शुद्ध अवयव मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी उसी तरीके से एसीटोन और जल को एक साथ मिलेगा ना, मालूम ही नहीं चले। लेकिन जब हम लोग इसको गर्म करते हैं ना तो क्या हो जाता है, एसीटोन अलग और जल भाप बन करके उड़ जाता है, एसीटोन अलग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वायु में मौजूद गैसों का पृथक्करण। तो देखिए आसवन विधि में दो चीजें देखने को मिलता है, एक तो गर्म करके हम दो शुद्ध अवयव को अलग कर देते हैं, और दूसरा ये है कि वायु में मौजूद जो गैसों का होता है ना उसका हम लोग पृथक्करण कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन 78% है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है 21%, अदर गैसेज हैं। तो मान लीजिए हम नाइट्रोजन को अलग करना चाहते हैं और ऑक्सीजन को अलग करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वायु के, ठीक है ना, वायु को हम लोग किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर भरते हैं और दाब को बढ़ाते हैं और ताप को घटा देते हैं। वो क्या हो जाता है ना कि वो वायु पहले द्रवीय अवस्था में आ जाता है और द्रवीय से क्या हो जाता है, वो ठोस बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा, यही कि जो भी हम लोग अपने प्रैक्टिसिंग ऑफ लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो भी पदार्थ का, जो भी मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर के बना होता है, और उसका हम लोग पृथक्करण करने की हर एक विधि को वन बाई वन करके इस वीडियो में समझा। और यहाँ तक लीजिए आप स्क्रीनशॉट और देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम दुनिया के अंदर जो भी परिवर्तन देखते हैं, हम लोग अपने आप से पूछे कि ये परिवर्तन की घटना कब होती है, कब हमें मालूम पड़ता है कि किसी के अंदर परिवर्तन हो गई। देखिए रसायनज्ञ का कहना है, रसायनज्ञ बोले तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि कोई भी परिवर्तन अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। और अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर यहाँ पर एक सवाल बनता है किसे कहते हैं अभिक्रिया। तो देखिए जब भी कोई दो चीज़ें आपस में मिलती हैं ना, तो मिलने के बाद जो भी वो क्रियाएं करते हैं मिलने के बाद, और जिस भी किसी चीज़ का अंजाम देते हैं, वो मिलना और आपस में क्रिया करना अभिक्रिया कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक, अब कोई ज़रूरी नहीं हम दो बोले तो सिर्फ दो ही, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया करने के लिए कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। कितने, दो चीज़ें होनी चाहिए, कोई एक अभिक्रिया नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया में कम से कम दो या दो से अधिक भाग लेकर के वो लोग आपस में कोई ना कोई क्रिया प्रक्रिया करते हैं, और उसी प्रोसेस को, उसी क्रिया प्रक्रिया को हम अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझा जाए, देखिए कोई भी चीज़ जिसके अंदर अगर आप परिवर्तन देखना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि लोहा ही है, तो लोहा हवा और नमी के संपर्क में जब आएगा ना तभी जा करके उसमें मूर्छा लगेगा, जंग लगेगा, ठीक है ना, तब हम कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक तरीका का रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि लोहा ऐसे अगर आप खुला छोड़ देते हैं, उसको गैल्वेनाइज नहीं करते हैं, उस पर आप जैसे उसको आप प्रोटेक्शन के लिए कोई पेंट नहीं करते हैं, प्राइमरी पेंट नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, हवा और नमी के संपर्क में आ जाता है, और आने के बाद जंग लगना शुरू हो जाता है और वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से दो चीज़ों का आपस में मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ, दो चीज़ों का आपस में मिलना हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर से समझिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके जो क्रिया करते हैं, उस क्रिया के फलस्वरूप कोई परिवर्तन दिखता है, और यही क्रिया प्रक्रिया अभिक्रिया कहलाती है। बातें क्लियर हो गई। अब देखिए जो अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन देखने को मिलता है ना, वो दो तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है, एक है जिसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरा है जो रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है जरा बताइए। तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो आपस में मिल करके अपने मूल रूप से दूसरा कोई रूप ना दिखाए। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है, ठीक है ना, वैसे तो पेड़ को काटना नहीं चाहिए, कोई पेड़ है, अगर आप इसको काट दिए, तीन चार हिस्सों में काट दिए, ठीक है ना, इसके टहनियों को भी चार पांच टुकड़ों में काट दिया, क्या आपको दिखा कि सिर्फ इसके आकार में परिवर्तन दिखा, ठीक है ना, और चाहे वो कितनी भी टुकड़ों में बांट दें, उसके एक टुकड़ा उठाओ तो फिर वो कहेंगे कि ये पेड़ का ही हिस्सा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये मार्कर ही है, मार्कर है, ये आप मार्कर देख रहे होंगे, इस मार्कर को टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, ठीक है ना, फिर इस टुकड़े को उठाकर पूछें तो सिर्फ हम यही कहेंगे कि ये मार्कर का टुकड़ा है, ठीक है ना। क्या मालूम चला, ये मार्कर को हमने तीन चार हिस्सों में बांट करके इसके सिर्फ साइज में परिवर्तन हमने कर दिया। उसी तरीके से पेड़ है, पेड़ को तीन चार या पाँच दस टुकड़ों में बांट करके हमने सिर्फ इसके साइज में परिवर्तन कर दिया। फिर आइए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पेज ले लीजिए, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, जितना भी टुकड़ा करना है कर दीजिए, क्या हुआ, यहाँ पर ये पेज का टुकड़ा होना
या पेड़ का टुकड़ा होना, इस मार्कर का 3, 4, 5, 10 टुकड़ों में होना, क्या है? सिर्फ आकार में परिवर्तन दिख रहा है, सिर्फ साइज में परिवर्तन दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये है भौतिक परिवर्तन। लेकिन इस मार्कर को अगर हम आग के संपर्क में ले जाकर के इसको जला दें और ये अपना रूप बदल दे, आग में जलेगा तो सीधी सी बात है ये कोयला बन जाएगा, ठीक है ना। तो बन गया मतलब क्या, ये अपना रूप बदल दिया। पेड़ को काट करके सुखा करके फिर इसको जला दें, ये कोयला बन गया, इसका मतलब कि यह रासायनिक परिवर्तन हो गया। या जिस हम पेज को हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट रहे थे, टुकड़ा टुकड़ा करके अगर उसको हमने आग में फेंक दिया, आग से वो जल गया, कोयला बन गया, राख बन गया, क्या हो गया, वो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ शेप एंड साइज का परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन जिसमें सिर्फ उसमें क्या होता है, जो चेहरे का परिवर्तन देखने को मिलता है, बिल्कुल पहले जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, शुद्ध पदार्थों के प्रकार, शुद्ध पदार्थों के प्रकार दो हैं, जैसे कि तत्व है और यौगिक है। आपको पता होना चाहिए तत्व से ही यौगिक बनते हैं, तो तत्व से यौगिक बनते हैं, तो तत्व समझिए तो जिसमें एक ही प्रकार के समान कण पाए जाते हैं तत्व कहलाता है, और यौगिक जिसमें दो अलग अलग या तीन अलग अलग या चार भी अलग अलग तत्वों के मिश्रण से यौगिक तैयार होता है, ठीक है ना, यौगिक कहलाता है। अब बात करते हैं कि तत्व शब्द, जो तत्व शब्द है इसको सबसे पहले किसने नामकरण किया, तो रॉबर्ट बॉयल नामक एक वैज्ञानिक थे जो रसायन शास्त्र के अंदर पहले वैज्ञानिक थे जो तत्व शब्द का उपयोग किया। उसके बाद से फ्रांस के रसायनज्ञ, यानी फ्रांस के रसायन शास्त्र के अंतर्गत आने वाले एक वो वैज्ञानिक थे जिसका नाम है एंटोनी लॉरेंट लवाइजी है, जिसको जिसका जन्म 1743 में हुआ और 1794 में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी सबसे बड़ी भूमिका क्या रही कि तत्व का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। एंटोनी लॉरेंट लवाइजिया ने तत्व का सिद्धांत दिया और तत्व का उसने बताया कि तत्व पदार्थों का मूल रूप है, ठीक है ना। और इस तत्व को तीन तरीके से बांट कर दिखाया, एक तो धातु और दूसरा उपधातु और अधातु, यानी तत्व के गुणवत्ता के आधार पर लवाइजिया ने क्या किया, तत्व को तीन हिस्सों में बांट दिया, धातु उपधातु अधातु। धातु का एग्जाम्पल क्या होता है, सोना चांदी तांबा। देखिए धातु अक्सर ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, हालांकि इसका अपवाद भी है, ठीक है ना, कि धातु है, ठीक है ना। तो सोना चांदी तांबा ये क्या हो गए, धातु हो गए, और उपधातु क्या हो गए, बोरान सिलिकॉन, ठीक है ना। तो ये क्या है, बोरान सिलिकॉन क्या है, कभी धातु की तरह व्यवहार करता है, कभी अधातु की तरह। तो जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है उसे उपधातु कहते हैं, और धातु जो सॉलिड होता है, जो कुछ स्थान घेरता है, ठीक है ना, अक्सर ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो सोना चांदी तांबा क्या है, ये धातु हो सकते हैं। अधातु क्या है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये अधातु है। तो आई होप कि यहां तक आपको पूरा टॉपिक कंफर्म समझ में आ गया होगा, 100% क्लियर हो गया होगा। यहां तक ही वीडियो समाप्त होता है और सारा टॉपिक क्लियर होता है। अब ये नहीं सोचेंगे कि यहां आपका पूरा खत्म हो गया तो अब इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा, नहीं, इसके बाद टॉपिक वाइज जो प्रश्न दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में वो भी हम कराने वाले हैं, और फिर एक्सरसाइज से भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसका भी हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।